डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। जालौन में हुआ योगेश मौर्य का एक्सीडेंट, बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से। एक्सीडेंट में बाल बाल बचे योगेश मौर्य, जालौन में उनका एक्सीडेंट हो गया। जालौन में योगेश मौर्य सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। उत्तर प्रदेश से बड़ी जानकारी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे हैं योगेश मौर्य, जिनका जालौन में एक्सीडेंट हो गया है। हालांकि इस एक्सीडेंट में वे बाल बाल बचे हैं, गंभीर चोटें उन्हें नहीं लगी हैं। एक्सीडेंट में बाल बाल बचे योगेश मौर्य, बड़ी जानकारी से दर्शकों को रूबरू करवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जालौन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश मौर्य का एक्सीडेंट हो गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे हैं योगेश मौर्य, जो कि जालौन में एक सड़क हादसे का शिकार हुए। हालांकि इस हादसे में उन्हें गंभीर चोटें नहीं आई हैं। एक्सीडेंट में बाल बाल बचे योगेश मौर्य, बड़ी खबर से दर्शकों को रूबरू करवा रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के जालौन से इस समय हमें मिल रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। जी हां, योगेश मौर्य की हम बात कर रहे हैं, जालौन में उनका एक्सीडेंट हुआ। हालांकि ये गनीमत रही कि इस एक्सीडेंट में उन्हें ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई। साल के 365 दिन 24 घंटे और सातों दिन हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज जीओटी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम ओटीटी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।